अब जी कार्रवाई तो पूरी हो गई है मलिक साहब, पैसे इन्होंने हाथ फड़ाओ तो जमीन अपने कब्जे करो। लो भाई गिर के पले बन लो, आज तो इस रकबे मेरा ना बोलेगा, मैं थोड़ा बाद मालिक होवांगा। बरकत जड़दी पांच गुमान जमीन खरीदनी पैगी मलिक साहब। ओए मैं आ रहा इतने इस वास्ते, मैं इस पिंड किसी को जमीन का टप्पा नहीं रेड़ जाऊंगा। मलिक साहब लो बरकत जट भी आ गए। हाँ भाई जट्टा सुना, जमीन के बारे की सोची? जमीन के बारे तो मैं तुम उस दिन दसता सी मलिक साहब। और जिद छड़ दे जट्टा, तेरे नाल दे चार चार कमावां वाले जमीन वेच के अपनी रकम भी खड़िया कर बैठे ने। रकम तो वह लोग खड़िया करते ने मलिक साहब जेडे जमीन अपनी मलकीयत समझते हो, मैं तो जमीन खुदा की मलकीयत समझना। यमलिया ना मारो जट्टा, साफ साफ आखता कि पा ज्यादा लाना है, असि हर कीमत खरीदने तैयार हाँ। मैं किसी भी कीमत वेचने तैयार है, मैं छटना पुत्रा तो जमीन जट की मां होती है। जे तू जमीन ना वेचने मां कह रहे हैं तो फिर असं सिपाही बन के नहीं प्यो बन के करा। कब्जा लेने वाली भूल गिल भी चौक कट दे मलका, तू मेरे जूने और जमीन वाला अख पट के नहीं देख सकता। मेरी अखों को तू लटा जटा, तू मेरे सामने तीन बारी ना की है, मैं ना सुन की आदत ही नहीं। तैन ना सुन की आदत नहीं तो हा कर वाल मैं भी नहीं आता। मैं पहला ही पता थी इन्हें बंदे अगर नहीं जा मनना, इन्हें ना करके अपने पैरों से आप कुहाड़ी मारी। मैं तो कहनी हूं जमीन सरदार खां को बेच दो तो अस पिंडों निकल चलिए। एक गल मुड़ के ना आखी, इस जमीन के मेरे प्यो दादी दी हड्डियां दफन ने, मैं इस जमीन तो विक तो सकना पर इन वेच नहीं सकता। तो मैं हूं चलना वा, पानी लाने का वेला हो गया है, तो यह तस्वीर तो किल टंग छड़ असगरे ने तो खेड ही बना ली है। ले मैं ही करा, यह तो तस्वीर का वसा ही नहीं खाता, कहता है ये मैं अपने वीर से अब्बे ना खलोता हाँ, तो मेले से असं तिना ने यह तस्वीर बड़े चा न लवाई थी। अला मैं फिर चलना है, खुदा हाफिज़। लो जी आ गया जो बरकत जट। जटा असी हाली भी तेरी मुंह मंगी कीमत तक देने तैयार हाँ, हूं ना ना करी इसलिए कि सानू ना सुन की आदत नहीं। अब मेरा नाम बरकत जट है, हाँ करन की आदत मैं भी नहीं हूं। फक ना है ते मौत की नींद सो गया है, जाओ तेरे बाल बच्चे भी जमीन की कोई सुवा दो। उठ ले पुत्र, उठ जल्दी चल। बाल बच्चे गायब हो गए ने। मां तो पिंड असि उस पिंड कदी नहीं जाना। मां मैं पानी पीना। मैं कितों ले आऊं पानी? मां तो इतने बैठ में पानी लिया, जल्दी ना आई पुत्र। नस गया चोर दे पुत्र, यार तेनू किस गुनाह तो मैं मार दे सन। तू कड़े पिंडू आया यार? मेरा पिंड इतो बड़ी दूर है यार, तेरा मां प्यो उथे ही है। मां दे भरा नू इत्थे बिठा के गया था, पता नहीं कितने चले गए यार। जे यार आखे ही क्या, पहले मेरा घर देख ला फिर दोवे रल के लभांगे। सिकंदरिया 200 दी विकी तेरी जवार, अपना हिस्सा ते रख ला मल्लिया। हिस्सा किस गल दा, तू बीमार पै गया सी ते मैं तेरी पहली वाह भी दित्ती। और चलिया
तू भी ते मेरे वांगू बीमार ही आहो यार मैनू भी डाटा ही रोग लगा है सलाम है चाचा जिंदा रहा पुत्रा ए कौन है पुत्रा चाचा आज जेने मलका रे पुत्रा को मैनू बचाया एने उन्होंने खूब मारया तू उन्होंने क्यों मारया पुत्रा अज असी मार लिया फिर की क्या ओ ते मैनू रोज ही मारदे ने तेरे ते उन्हां विच बड़ा फर्क है इकबाल तेरा फिक्र तू ना कर चाचा तेरे सीने दी थां मैं अपना लहू लगा देवा किसी जान प्यो का पुत जापना है ए बेचारा अपनी मां नू लभदा फिरदा है उन्ना चेरे दी मां नहीं लभदी उन्ना चेरे मेरे को रहेगा मैं भी कल्ला दामा ते इंदे दामना मेरे घर विच भी रौनक रहेगी घबरा ना बचू मां मिल जाएगी तो उन्दे नाल चला जाए वालेकुम सलाम सुना तू अज किस राह भुल गया पिंड जी मेरी हवेली बन रही है मैं वेखण आया सा तेरी हवेली ते काफी तो ज्यादा मुकम्मल हो गई तुम भाजी कुछ उस जमीन नहीं खरीदी नहीं यार भैन शमीम को मेरी धी बना दे तेरे पुत्र नालों मैं केड़ी चीज प्यारी हो सकती है वीरा आ पुत्र रोना पैना अल्लाह तन तेरा पुत्र जल्दी मिला देगा भैन तू इस मकान च कली रहनी आहो कल मैं तेन कढ़ाई करने वाली मशीन भी किराए से ले आ जाएंगी भैन अल्लाह तेन इस गल की जजा देगा जमीन वेचन की सलाह करना आया सलाह करने की की जरूरत है तू जमीन का मालिक नहीं सुने एक बंदा बड़े महंगे भाव से जमीन खरीद रहा है यह तो ठीक है पर असी जमीन वेच के करांगे की असा बाग का ठेका जो ले लिया मैं सोचा जमीन वेच के पैन दे हाथ पीले कर दई और जिवें तेरी मर्जी यार तू वड्डा भरा है ते मैं छोटा वा ठीक है एक तू छोटा भरा है ते एक ओ है अल्लाह करे वो भी तेरे ही जिटा हो है जो मुझी कैसे मौके से छुट्टी लगी सही बात अगले महीने जश्न मरी भी शुरू हो रहे मेरा ख्याल है मरी होटल कमरा पहले ही बुक करवा लेना चाहिए बिल्कुल की गल्ला का कर दियो दोवें दोस्त कुछ नहीं मां पुत्र अकबर तू खुफिया पुलिस की नौकरी छोड़ के किसी और महकमे की नौकरी कर कहंदे ने खुफिया पुलिस की नौकरी करने वाले की जान को हर वेले खतरा रहता मां समाज दुश्मन अनासर को खत्म कर दिया मैं कुर्बान हो जाऊंगा तेरे तो बड़ी खुशी की गल तेरे लिए और कड़ी हो सकती है काला कारोबार करने वाले सफेद हाथी इस मुल्क के सामने बड़े दुश्मन मैं इन्हें खत्म करके दम लाऊंगा अल्लाह तेन तेरे राजे कामयाब करे पुत्र ओ मिस्टर शरीफा ओ मिस्टर शरीफा खान वाला नहीं मिस्टर शरीफुद्दीन चुकता है छुट्टियां का की बनया सिर तो आडिया छुट्टियां की वजह मन सारे दफ्तर का भार मैं कल्ले चुकना पै रहा है तो दफ्तर भी तीन मंदिर के लिफ्ट भी खराब है खुदा दे वास्ते छुट्टियां मंसूख करा दियो और मैं क्या पैसे माफ कर दे अगली बारी सर्दियों मैं तेन टूर से ला जाऊंगा जबरू यार पिंडो तेनू मामूली काम ली नहीं लंबी चौड़ी जमीन ते कब्जा करने लिए बुलाया ओ तू बुलाया ते असि आ गए हां वरना ते तेनू पता कि पिंड जमीन दे नाल नाल सानू और बड़े काम ने ओ सुना यार माजू दा की हाल है
ओए माजू का तो मैं बड़ा ही दुख है और कल ही मैं जेलों मिल के आया। यार माजू अज बाहर हों ना तो तेरे भी लोड़ ना पैदा होंगी। वो माजू की तो असी की वह बंदा तो विखा जरा सारिया जमीन का सौदा कर रहा है। इतों फारा होकर सीधा ही वाल चला गए। वह पर इन्ने रुपए कितों लियागा? लो 4,50,000 रुपया तो जाके पिंड वालों को सारे अंगूठे लवा लो। आज अंगूठे जरूर लग जाएंगे इसलिए कि सब एको थान से इकट्ठा कर लिया। अद्धे पिंड के रकबे की मलकियत उन जी मेरे भरवैये की है। मैंने इस थान से कोठी बनाने की जगह उसने दी। जमीन खरीदया खरीदया ताकि अज इतों तक आ पहुंची है। यह तुम्हारिया मेहरबानिया ने। तुम रुपए लेके जाओ लाची के दाल चीनी दी बोरियां राति ताड़ी हवेली च पहुंच जाएंगे। इन्हों की अखियां से पट्टी बन के इन्होंने पिंड पहुंचा दो। बंदे इन्नी वड्डी रकम दे के तुसी को गलती तो नहीं कर बैठे? ऐसी तो कोई गल नहीं, ये बंदा अपना इतबारी है। 10 साल तो अपने इशारे से पे काम करता है। इनू ये तो नहीं पता कि असी समुद्रीन के नाल नाल जसूसी भी करने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेड ऑफिस तो यह नवा बंदा तुहाडे वास्ते आया ते तुहाडे बड़े काम आएगा। मैं बड़ी खुशी हुई है। मैं तल मिल के बहुत खुशी हुई। बड़ा अच्छा सौदा बन गया। असी शहरों दूर जाके इस तो 8 गुना ज्यादा अच्छी जमीन खरीद ला गए। जमीन ना वेचो, जमीन का धी का पैसा कदे कोल नहीं रहा। की बतां देन दे बाबा, तू अपना बाग वेचण दी गल कर। मैं अपना बाग नहीं वेचना। तैन वेचना पेगा। ओए वेचना की मैं पेगा, जे नहीं वेचता तो ना वेचे। ये बदो बदी का नहीं मर्जी का सौदा है। जिते हो जा सौदा होता हो मैं उसे पैना भी नहीं चाहता। डावे चौधरी उरी भी आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सारे भरा मन गए ने? और तो सारे तैयार ने मलिक साहब। वो बाग वाला बाबा इनकार करके चला गया। वो पर तुसा उन्हें समझाना सी बाग का ठेका ते अजकल असगरे को ले। वो तो फिर असगरे नु रुपये दे के बूठा लुआ लो। मुड़ के गल ना कहना मलिक साहब, मैं बेईमानी के पैसे नु अपने उते हराम समझना। और तू चंगा बंदा है, असी तेनों माल दे रहे तो तू सानू बेईमान बनाई जा रहे। तुसा गल ही बेईमानी वाली की। होश कर, तू जानता नहीं असी कौन? अड्डा गरूर चना, तू भी मेरे वर्गा बंदा है। बड़ा बदतमीज हो तू। कट तू ही नहीं, दुकान बंद कर, नहीं तो बड़ा पैरा पेश। मैं बुढ़ा बंदा समझ के तेरा लिहाज कर रहे हैं। हूं जवाना वगर बोलेगा तो गल का जवाब हाथ नाल देंगा। तेन इन जवाबों के सवालों का पता शामू अगे अगे लग जाएगा। बहुत बुरा किया असगरिया, ऐसे साडा प्रौणा बन के आया। प्रौणिया उची बोलना इंसानों का काम नहीं। भाई मेरा प्रौणा नहीं सी, उम्र की ये को वा आप तो वाडा बंदा क्यों हो जाता है। इन्हने उची बोल के प्यो की दाड़ी हाथ पा लिया। तेन को माफी मांग लेनी चाहिए। यार गल सार ने अकल वाली की गरीब ऐसे गले चंगा होता है जो अपनी गलती छेती मान लें। शेर पुत्रा वो भी अपना ही बंदा, वो भावे अपना हो भावे बगाना, हूं मैं जूंदा नहीं छड़ांगा। दसो कि कौन कौन कर सिर पे आसमान ना चुको है जिन्हों लभना हो खलोता है। और जे खलोई गया तो मरने लिए तैयार हो जा। जे मरण का डर हों तो मैं खलोंदा ही ना। तू ठंडा हो जा पुत्रा, ये टेपड़े डेरे के साडे सामने उच्चा बोलो नहीं साढ़े को माफी मंगना है। तुसी परे हार जाओ मलिक साहब, मैं इन हमने ठंडिया कर लेना। इनू इतने मरण तो बाद माफी मंगन की लड़ ही नहीं पैनी। और तू कौन है मैं मरन वाला? तू मेरी खातर चुप कर जा सकिया। असगरा अपने सामने किसी ने भी बोलद्या वेख के चुप नहीं किया मलिक साहब। तुसी कहंदे हो तो मैं चुप कर जाना। चुप ही बचा गई हो आपा, नहीं तो मैं तू मैं उड़ा देने फल। ओए किसी ने गल समझे भी कर पुत्रा, मिठा बोल के जरा जमीन के कब्जे कर लेने दे ते फिर असी इन्हें किसी ने नहीं बोलन देंगे। वड्डे मलिक साहब ने तुम्हें याद फरमाया, कहने ने कल शमीम बेगम मलैतों आ रहे हैं। ओए मेरी नूह आ रही है। लै भी पुत्रा, कल मैं तेरे फुफड़ को जावगा तो अपनी मरहूम भैन किए वादे उन्होंने याद करा के तेरा रिश्ते की गल पक्की करावगा। अज मेरी भैन जीवी होती तो उन्होंने छमू के बलैर तो आने की खुशी होगी। अल्लाह जन्नत नसीब करे सो, उनके दिल में शमीम ने वलैत पास कराने की बड़ी ख्वाहिश। एक वलैत पास कराने की तो दूजे अपने भतीजे ब्याह करने की। हम तुम अपनी धी का रिश्ता मेरे पुत्र करके कबर में ठंड बचाओ।
मुड़ के गल ना करी सरदार खां, असी जट जिस घरों एक बार रिश्ता ले लीए उत्थे रिश्ता देने की साडे विच रीत ने। अजकल इन्हां रस्मां नूं कौन जानदा लाला, इन्हां नूं ना भी जानी है, एक वलायत पास कुड़ी दा पर मुंडे दा की जोड़। इहदा मतलब है कि तुसीं साफ लफ्ज़ ना कर रहे। तेरी होर हर गल मनन नूं तैयार आ पर कदी भुल गए भी अपनी जबान ते मुड़ के गल ना लिया सरदार खां। जिवें तुहाडी मर्जी लाला जी, मैं ते अर्जी करनी सी ना, पर फिर भी किसी वेले वक्त बह के ते इस रिश्ते दे ना होने का नफा नुकसान जरूर सोच लेना। चंगा मलिक साहब, मैं हुण चलना। मैनू भी प्राइवेट जसूस वास्ते नामी चोरों के पैरों की पछाण बहुत लाजमी। हाँ चाचा जी, जी ए केड़े चोर का पैर है? ए? काले चोर का पैर। अच्छा ये तुहाडा पैर है? हाँ। है की के? मतलब है कि एक बगदाद के चोर का पैर लगता, देखो केड़ा वड्डा है। ए भी पैर देखो केड़ा वड्डा है, ये तो मैंने देखो हिंदुस्तान का नक्शा लगन दे है। गुड बाय अंकल। लो आ गए जी, खिड़कियां बूहे बंद कर दे, कोई हनेरी तो नहीं आ गई, इधर त्यार मारो। तुहाडी भतीजी तो मेरी भैन आ गई, तो देखो फिर हाथ ही जसूसी नावल होर, ये हाथ चाकू होना चाहिए। मैं देखो फिर तुम मेरी गल तो पूरी सुन लो, खुला का वास्ता जे फिर लाइब्रेरी चली गई तो जसूसी नावल लैन चली जाए, रात का कोटा मुकाता जे तो उतो होर लैन चली गए, तो मैंने ये डर सिर्फ चाचा जी, तो जे इस तरह जसूसी नावल पढ़ती रही तो किसी दिन खुफिया खजाने तलाश ना निकल जाए। बकवास ना करे अंकल, कल मेरी सहेली शम्मो वलैत तो वापस आ रही। अच्छा तुम मेरे नाल नु लैन एयरपोर्ट चलना। चलेंगे। ओके ओके। बड़ी स्मार्ट मेरी भतीजी। ऐसे किसी को कस मार चाचा जी, किसी चोर तो मगर जाने, अद्धा मील वो अगे चले जाने, पिछले चोर पावन हस पा जाए। दूर फिटे मूह चाचा जी, स्पीड है मेरा की कसूर। अच्छा चल इस तरह कर, बंद ले जाके दफ्तर का बुआ खोल, कल टाइपिस्ट वास्ते इश्तहार दिता सी ना, शायद कोई इंटरव्यू वास्ते लड़की आई हुए। ओके चाचा जी। अरे बोले सर, क्यों तुसी इत्थे शराब पुनन डे? एवें ना डर जाया करो, कुड़ी आई इंटरव्यू वास्ते। कुड़ी आई? ईमान जाओ बकवास ना कर चाचा जी। तू इत्थे बैठ, फिर मैं जाना। ना चाचा जी, तुसी ते बूहे तकर जांदे हाफ जाना, इंटरव्यू तुसी उदा खास लेना, मैं जाना। नहीं पांडे क्या बोलता? मैंने ये कहा कि तू वाकई काम करने वाली कुड़ी लगती है। थैंक यू। अच्छा मेरी एक गल है, जरा गौर से सुन लेना, मेरा चाचा अंकल का खोटा है, टर्की टाइप का आदमी है, उसकी गल का बुरा ना मनाना, वैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वैसे इतना अच्छा है तुमको देखते ही नौकरी दे देगा। ओ मैन, ये कौन? अंकल टॉम, ये मेरा चाचा है। चाचा जी बड़ी अच्छी टाइपिस्ट इन्हें रख लो। तू इन्हें जानना? बड़ी अच्छी तरह। किस तरह? मैंने कई दफा हाफ रेट से फ्रॉक खरीद के दिते ने। लड़की तुम इसको जानता? चाचा जी बिल्कुल ना रखना। क्यों? मैं तेन कुआरी समझ के सिफारिश की। बकवास ना कर। लड़की तुम्हारा हस्बैंड को मारा कितना देर हुआ? ओ मैन, हमारा हस्बैंड किधर से आ गया? अभी तो हमने शादी भी नहीं बनाया, हम बेवा उसको बोलता जिसका कोई सहारा नहीं हो। ओ नो नो, हम तुम्हारा सहारा है। ओ थैंक यू, तुम कितना अच्छा है, तुम बिल्कुल हमारा पियू की तरह लगता है ना। बकवास ना कर ओए, जा जाके बैंक की किताबें ले आ, चल। क्यों तुसा अकाउंट खोलना? और जा भी जाना कहीं, चल। प्लीज सिट डाउन। ओ थैंक यू। सॉरी ये नहीं। ओ सॉरी। ओ मैन तुम क्या करता? ओ गॉड, हम किधर पास किया है? दल दल में भागना है। जबरू ए बुलबुल कितों आ गई है? ओए आ गई है तो फड़ लो। मेरी एक निकी जी ने गलती सुन रखो। मेरे नाल फजूल गुफ्तगू करन तो बाहर ना फैजू। ओए असी इस पिंड दे मालिक आ, ते तैनू अपने दिल दी मलका बनाना चाहनी। शर्म कर फैजू। ऊंची ना बोल कुड़िए, नहीं तो असी अनेर पा देंगे। तू चुप कर वे लोटे। बंदे बड़ो ओए, पिंड दी जमीना दे नाल तुसी धियां पैणा दे सौदे भी करने शुरू कर दित्ते ने। ओए आ की कह रहे है? खबरदार ओए, जे साडे यार दे मामले च बोले आ ते असी थां मार देंगे। सानू तेरे ते उस दिन भी बड़ी गर्मी है, असी गोलियां मार मार के अनेर पा देंगे। Thank you.
चंगा यार तू इन्हों छड़िया ते मैं खूह ते चलना। वालेकुम अस्सलाम। अंकिल अच्छी देर तो नहीं लाए? नहीं बड़े वक्त सर पहुंचे। चलो फिर एयरपोर्ट चलिए किधर जान दी ना आगे हो। बेबी शमीम बड़ी देर बाद आई है, ये ना हो कि किसी और नाली चली जाए। चलो आओ जल्दी चलिए। चलो बेटा आस्ता। ओ डैडी इंग्लैंड की बेटी आहिस्ता चलाते चलान हो जाता है, मैं चलान नहीं करवाना किसी खामोश बैठो। मलैर का मौसम तो बड़ा खुशगवार है रशमो, वेरी प्लेजेंट। इतों भी गेट हार्ड मुझे लगी है। इतों की हीट तो मैं बियर ही नहीं कर सकती अंकल, मेरा तो हार्ट थिंग कर रहा हूँ। मैं घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें चंद दिनों वास्ते मरी भेज देना। दी बेस्ट रिपो भी मेरे नाल जाएगी सर, अगर अंकल इजाजत देंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। प्लीज अंकल। मैं तेरे अगे इनकार किस तरह। थैंक यू अंकल सर। इस तरह रहा इस तरह। सारा सामान सा मोटर से रखवा दो। ना बेना मोटर पे नहीं जाना, एक तक तुम मोटर बहुत तेज चला ली, दूसरा मरीज का रास्ता बहुत खतरनाक है, ये जिग जैग अप अंकल ना। जितना कर बेटी मैं हूने कल सवेर वास्ते बस दी सीटा ते मरी विच होटल का कमरा बुक करा दे। अच्छा तू अच्छी तरह तैयार हो गया, मैं तो बात लेना। हाँ बिल्कुल चलो अंकल। चलो एक मिनट, मैं तो हैरान हाँ तू एकदम मरी जान का प्रोग्राम किस तरह बना लिया, मेरे को मशवरा तो ले लेना सी। मशवरा लैन दे उन्हें मोहलत नहीं दी, जहाज तो उतरी है ते मरी जान का प्रोग्राम बना लिया। ओ अजीब है भी तेरी सहेली, वो बलैटो आना साडा ही गिट्टा खिंचन लग पई। तू हस ला ना हाथ, मैं छेती वापस आ जाऊंगी। मैं तो डर लगता रिफत तू मरी जाके मैं भूली ना जावे। एक किवे हो सकता एक बार तेरी याद ते मैं नाल लेके जावांगी। खत लिखेंगी ना? जरूर लिखांगी। ए मेरा मंगेतर इकबाल है ते ए मेरी सहेली शमीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानू दोनों कठिया वेख के बड़ी खुशी हुई है, वरी ना करना पाई जान, मैं बड़ी जल्दी वापस ले आवांगी। चल रखो बड़ी देर हो गई। सीमा तू कर करनी है? ए ते मैं फेर दसांगी, पहले ए दस के बगैर आवाज दिते हैं तड़े दिल जाए बड़ पे हैं। दिल के हथों मजबूर होके आया सीमा। बेहयावा खरियत चाहना है तो फौरन चला जाए तू, ते इत्थे आंदा आंदी जरूरत ना करी, नहीं ते भाईजान दस के तेरी हड्डी पत्थी करा देंगी। मैनू तू अपने भरा नू कदी नहीं दस सकती। ते फिर बुलावा दो ते मरी बड़ा ही मजा आना जे ऐन वक्त ते एदी छुट्टी। Thank you.
ਸ਼ਿਫਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਤਾਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਟੇਚੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਚੀ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸਾਂ ਰਿਫੋ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਟੇਚੀ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਟੇਚੀ ਕੇ ਸਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ मरीज बड़ा मजा रहेगा मैं क्या ताड़ा दोस्त कहना सी तुसी बड़े चिपले रहो पर तुसी ते पहले गेम हार गए गेम जैसे शुरू होने तो पहले ही हार चुके ये शुरू होने तो पहले ही हार गया सा ते मैदान च मखाने लेना आया सा और बाद गेम हारने वास्ते खड़ी रहने ने बेवकूफा ओ यार तू किसी मर्द मुछ के हार दोना तो कोई गल नहीं तू ते उस जनानी के आ रहे हैं जिदी गुत बड्डी है तो ने साडी नक वड दी अच्छा जी मैं ताड़े नाल गल ही कर रहा अपने दोस्त नाल ते कहना देखना यार हूं तू शायद बाय 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 बेचारा खेडन के शौक च काम कार ते चला गया ए के जादू कर दिते शम्मो शम्मो आ चली शम्मो मेरा हाथ तू भी मेरा हाथ किसी का हाथ पड़ना बड़ी बदतमीजी है आई नो मैंने पता बड़ी बदतमीजी है ऐसी दसा की लिखा होगा खाली असि भी कदी नहीं गए असि तेरी धीर चुके मुल वटांगे उम्र भी तेन लग जाए पुत्रा जे लायक जुए से शराब के जाल फस के जेल ना चला जाता तो अज इन्हों घर आने की जरूरत किमें होंगी कोई गल नहीं मां जी मैनू भी तुसी अपना पुत्र माजा ही समझो नजायज अंगूठे लवाने की हिम्मत ना करना ए दा सिर भी फेर दो ओए तगड़ा हो जा सिरे मैं आ गया Thank you.
ਕਰਦਾ कर यार मैनू तो इंज लगता जिस तरह तेरी हड्डी टुट गई है। चल तेन आज मार्केट असे गैसा वाली की हड्डी ते लै चला। चल तुसी जमीन का कब्जा लै रहे हो? कब्जा तो कर ही लैना सी मलिक साहब, पर अस्करे ने आके बनया बनया काम बिगाड़ दिता है। अस्करा कला हों असी कब्जा कर गए सा, पर उदा यार बल आ गया, साड़ी कोई वाह नहीं चली। जमीन का कब्जा लैन तो पहला उन्हें दोनों कतल करना बहुत जरूरी है बाजी। कतल करने वाली गलती ना करना है, जो कतल हो गए तो साढ़े सवा किसी का नाम नहीं जो लगना, इस वास्ते के पिंड के बच्चे बच्चे को पता कि साड़ी उन्होंने दुश्मनी है। डायरी विच लिखे हुए खून के हिंसों तो यह पता नहीं पिया चलता कि मरहूम किसी कार का नंबर लिख रहा है या कोठी का। मेरा ख्याल है अकबर को मरीज चों जल्दी बुला लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमने अर्जेंट तार दे दे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तू चले आ? जी आओ। क्यों? ऐसे कि मैं तारा इंतजार कर करके बोर हो गया। वेरी सॉरी, और वैसे तो इंग्लैंड रिटर्न हो, उसे तो लोग बड़े टाइम के पाबंद होते हैं। सॉरी जुके, सॉरी जुके है। गुड बाय सर। अकबर तू मेरे देर नाल आन तो नाराज होके जा रहे ना? और जे वलायत चलाने वाले देर नाल आ सकते हैं तो फिर लाहौर चलाने वाले भी ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। गुड बाय। आहो अकबर स्वागत लॉन जा बड़ा बंदा। डेंजरस यार, वर्जिश करना है। वो आया था जिस कुड़ी ने इसको दूसरी बारी देखी है, पटक फिलहाल कर दीजिए। और तू आया किस तरह है? दफ्तरों टेलीफोन आया है और उन्होंने अर्जेंट बुलाया है। की गल है? गल है कि लाहौर वापस बड़ा अर्जेंट जाना पै रहे हैं, असं हूं जा रहे हैं। वापस जा रहे हो? कब्जा तो ले लेना सी, पर जो उन्होंने जराना टूट जाता तो जेर नहीं सी लगनी। उन्हें दोवे का जराना तारा बाई तुड़ा सकती है, तो अगर तारा बाई तो साढ़े तोड़ दो। फिलहाल तो पिंडी गई हुई है, वापस आएगी तो ताड़ा काम हो जाएगा। इस जहर जो गोलियां फिर मैं भी दे दो, जो उन्हें जवाब ना दिता तेन मैं किसी चीज मिला के खवा देंगा। ला फल गोलियां, पर उम्मीद है कि तेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं इस लिफाफे योजा खत लिख दिता कि वह फौरन मैं जवाब देगा। नूरपुर के रईस मलिक अशरफ की पुरसरार मौत तो बाद यह सन पक्का यकीन हो गया कि गैर मुल्की जसूसा की पनागा नूरपुर के तुरबुजवारी चीज। यह तो तुम चंगी तरह जानते हो, जसूसा की तलाश साढ़े छह जवान जिंदगी कुर्बान कर चुके। सतवा नंबर मैं जुनाब के तन दोवों कट्ठिया रवाना किया जा रहा, तेरा नंबर सत्त अकबर का अठ। दूसरे समान के अलावा
यह दो कड़ियां भी तन दिखाई जा रही इन्हों सूइया का रुख एक दूसरे के नाल राबता भी कायम रखेगा तो हर किस्म के खतरे तो आगाह भी करेगा। थैंक यू। जाओ खुदा तुहानू इस मकसद एक कामयाब करे। आमीन। दारुल सुराख, यहाँ पर चोरी डाका कत्ल अगवा के अलावा मुख्तलिफ जराइम का सुराग लगाया जाता है। इसके अलावा किराए के लिए मकान भी तलाश किए जाते हैं। प्राइवेट सुराख रसा एंड प्रॉपर्टी डीलर मजीद मकियानवी एंड फैमिली। प्राइवेट सुराख रसा, आ जा भाई मकान का पता कर लिए। हेलो, हाँ जी तारी चोरी का सुराग इंशाल्लाह बहुत जल्द लग जाएगा। मैं फ्री ना फ्री भिजवा देता है, माल भी बराबर हो जाएगा, मरी ना करो। एक मिनट फोन कर। हाँ जी हेलो। हाँ जी जी लाइनपुर वाले चौड़े बंदे खेत मैं सारा मामा हल कर लिया। अच्छा तुम ऐसा करना कि 705 नू लाइनपुर कर देना, मुल्तान का 50वां केस जो है ना उन हल कर लांगा। अच्छा हेलो जी, दो कुड़ियां मुजरे लिए चाहिए ने? की बकवास पे कर दियो, सुराख रसान आओ किसे को हीरा मंडी नहीं और पाई नू सुराख रसान नो कुछ आते भी गल सुनो। अगर कतल कतल होने वाला तेज तार आ रहा कतल हुआ या किसी पहाड़ी गोली या कारतूस ना सुबे न या छैनी ना अगर अगर कातल ने कतल किया तो इसका मतलब वो माली अगर वो तेजी से कतल होया तो जाहिर के तरखान कातल। भाइया असं ते कोई सुराख लगवा नहीं आए तो हो तुम साढ़े को टीके लगाना है जी। मकान चाहिए किराया वास्ते मकान मकान किराया मकान हाँ मकान नकद हो किराए तो भैया गिरवी हो गए। एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला कच्चा हो गया पक्का हो गया। किन्ने अपरा किन्ने बच्चे किन्ने कुत्ते किन्ने बुढ़े हो किन्ने बिले मेरा मतलब है सारे मिला के तुम किन्ने? मैं कह रही ताडा चपरासी मिला के ना 5.5 बने अच्छा मकान मिल जाएगा मकान तलाश करो। हां मतलब मकान मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ले भाई ऐसे काम ही होगी। तू इन कर बेबी लेके आ देवी तो मैं मकान का पता ना ला 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 रहा तो इन करी के बंदे बड़े मुझे कुछ समझदार लगते हैं फिर तू ऐसे टिक जा। है मकान लग गया ताडा? लग गया लग गया लग गया मकान लग गया लग गया। हेलो हाँ जी सारा काम खत्म करके तो फाइल मेरे कर सबर कर शानू वालदेन हमेशा नाल ही रहते होते सबर किस तरह करा देखो अब्बा जी की शक्ल मेरी नजरों अगो एक सैकंड वास्ते भी नहीं हटती उन्हों की मौत असर मैं कभी नहीं भुला सकांगी। कोई अकबर साहब आए? मेरा ख्याल हो वही अकबर साहब ने जानन बुला लिया तबीयत में संभालने की कोशिश कर सबर कर। ताड़े वाला साहब सुन के बड़ा अफसोस है एरम तसली दो रोण नाल मन वाले वापस नहीं आए हूँ आंसू बहाने की बजाय सानू चाहिए उन्होंने कातिल का सुराग लगाया जाए। मैंने उन्होंने कातिल का पता लग गया तो मैं शूट कर दिया। वो लुकिया नहीं रह सकता मैं ऐसे सिलसिले जा रहा हूं तुम्हें किससे शक है? शक से तो किया जा सकता साढ़ा तो कोई दुश्मन ही नहीं। ताड़ा कोई करीबी रिश्तेदार? मेरे मामू तो उन्होंने लड़का जिदे ना मेरी शादी करना चाहते हैं। ताड़े वालद साहब शादी लिए तैयार सन? बिल्कुल नहीं। मैं ताड़े मामू नाल मिल सकना? हाँ मैं हूँ उधर ही जा रही हूँ पर किधर तानू वेख के बुरा ही ना मना जा। बुरा मनाने की नौबत ही नहीं आएगी मैं ताड़ा ड्राइवर बन के जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ताड़ी प्रेमी ने कार एक पाउजी आया तो मैं वो जसूस लगता फल गोली ये किसी तरीके ने उसको खवा दें पर जहर की गोली कि मेरी प्रेमी ना खवा दें। तू इत बैठ मैं हूं ही आनी हूँ तो खौरिया तेरी आ गई हो चल तो थोड़ा निकल जा। सुनो मैं जी सलाम है जी मैं इन्हों का नौकर हाँ जी मेरे सर दर्द होने पे थे जी तो मैं स्प्रो पैट हूँ दसा जी। और तेनों स्प्रो को चंगी गोली देंगे जो खाते ही तेनों आराम आ जाएगा। बड़ी अच्छी गल है जी पहला फर्क
ये तो बड़ी अच्छी गोली है जी, ये तो सूंघती सारा दर्द गायब जी। कमाल है जी, दर्द मेरे सिर से भी होने लग पी है जी। तू नहीं खानी तो मैं दे दे गोली। अच्छा जी तुसी खाओ। नहीं 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 नहीं, क्यों जनाना नहीं, मर्दाना गोली है मर्दाना। आहा। अच्छा फिर तो बड़ी अच्छी गोली है जी, अल्लाह तुम पला कर सीना जी, मैं इसकी संभाल के रखा ना जी। चंगा बाबा जी, मेरे जरूरी काम है, मैं हूं चल रही, चलो ड्राइवर हम जानी जी। फड़ो ना पता जिन्हें दोवे यार तू फुट पवानी है, एक का ना इकबाल ही दूसरे का ना ही असगरा। मैं बुढ़ी माई बन के एह जी अग लावगी कि बुझानी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है मासी, मैं वीर नू बंद कर देंगी कि उस घर नाल ना बोले, मेरे वीर ने मेरी गल कदी नहीं मोड़ी। एक ही कह रही है सीमा, ये साड़ी मासी है ते नाल दे पिंडो आई है, कहंदी है तू ते इस घर ने सारे पिंड च वक्त पाया है, लाला जे तैनू कुछ हो गया ते फिर मेरा की बनेगा। ओए असी ते दोवें कदी भी अपनी लड़ाई नहीं लड़े, जद भी लड़े किसी गरीब की हिमायत ही लड़े। मुड़ गया तेरा लड़ना नहीं बनता, जिन्ना भरावान दिया भैनां जवान होन उन्हां नूं इह लड़न लग्या सोच लेना चाहिए कि जे असी कैद हो गए ते साडियां जवान भैनां दा की बनेगा। ते नाले असगरे दी ना कोई भैन है ते ना ही कोई भरा। लाला तन मेरी सौई, अज तो बाद ना दे तू लड़ी ते ना ही खरे नाल बोली। वालेकुम सलाम, आ इकबाल पहले रोटी खा ले। बिस्मिल्लाह, मैं तो खा के आया यार। यार मैं अज तेरे एक जरूरी गल करना है। गल करना है तो फिर कर, की गल है? गल है वे कि अज तो बाद सानू लड़ाई झगड़े तो बाद आ जाना चाहिए। वो असी बाज ही हाँ, कदों किसी नाल लड़ने हैं, साड़ी किसी नाल जाती दुश्मनी नहीं, जदों भी लड़ने हैं किसी की खातर लड़ने। तो फिर मैं अज तक ना लड़न की कसम चुका के जाने, इस वास्ते कि जवान भैणा के भरावान लड़न तो पहला यह सोच लेना चाहिए, जदों उन्होंने हत्थों में हथकड़ियां पै जाए ने तो उन्होंने भैणों के सिरों तो चुनिया लै जा। यार गल तो तू बड़ी अकल वाली की, मैं तो अज पता लगा हथकड़िया सीमा लड़न झगड़न वाले बहुत बुरा समझती। बुरा समझती यार इकबाल, एक गल तो दस, सीमा भैन मैनू भी बुरा समझती है? आहो यार वो ख्याल है मैनू भी तू ही लड़ाना है। मैं लड़ाना? लै फिर मैं तेरे अज वादा करना, मैं किसी नाल नहीं लड़ांगा। ਲੈ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹ ਤਾਰਾ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਅੱਬਾ ਫੈਜ਼ੂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ, ਫੜ ਲਾ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਗਰਿਆ ਅਸਗਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਪੁੱਤਰਾ, ਉੱਠ ਪੁੱਤਰਾ, ਉੱਠ। ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। चुप करके लगा जाओ, नहीं तो हराम मौत मारिया जाएगा। जुलम के खिलाफ बोलन तू मौत आ जाए जो हराम नहीं होती। जालम के सामने हक की गल करना सब तू वड्डा जहाज, और रहा जांदी मौत नू गल नाल ना लाए, गानी गल च बोलना हम कारा कम में। जालम ते मजलूम दी लड़ाई नू बेगाना चढ़ा समझ के चुप कर रहना इंसान दुश्मना दा कम होंदा है। मजलूम दी हमायत विच ना बोलन वाला जुल्म करन वाला नू वड्डा जालम होंदा है। जबान नू बंद करो, असी जालम नहीं बहादुर हां। जे तुसी बहादुर होंदे ते इन्हां कमजोरां नू मारन लई इन्ने बंदे लैके ना आंदे। ओए बंदे ने मेरा मारे, मैं तेनू कल्ले नाल कल्ला निबड़ के दिखा देंगा। ओए मैं ते दो मंजे दा दुध इक्को ड्रिंक नाल पीण वाला जवान आ। ओए बहुत सा दुध पी के अपने आप नू जवान समझण वाले आ। जवान मत वड्डे जिस्म नाल नहीं वड्डे दिल नाल हुंदा। ओ जे तू साडा दिल वेखणा चाहुंदा ते मैदान ही चा जा। आओ आ जवाना, किसे चंगी मां दा दुध पीता होए। अगे कोई ना वधे भाई, कल्ले नाल कल्ला। आ भाई कोई गल नहीं अब्बा, असि फिर निबड़ लांगे। शावा वे शावा,
किसे बहादुर प्यो का पुत्र लगना है। तुम्हें किसे बहादुर प्यो का पुत्र लगना है। चल मारना रात बाहर नहीं जाना चाहिए। साढ़े जो कि जवान जरा सकते बहार ला के लिया और मैं उन्होंने 10,000 रुपये इनाम देंगा। 15,000 रुपये 20,000 रुपये इनाम देंगे। उस दिलों ने की करना सरदार। हाँ तेरे कमली से मैं अपने यार माजू नू लैके आया वा। और जी आया नू बई माजू का ना तो बड़ा सुनिया सी पर अज तेरी बारी हूं जलो छुट के आया सरदार। हां तेरे कमली मैनू घर भी नहीं जान दिता। और कोई पानी दानी का बंदोबस्त करो बई। माजू जवान बंदा तो अज पहली बारी साड़ी वेली च आया। पर ना असर नहीं असरा सी मां जी। असर तसरे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा दिल कहता है कि वो तेरा भरा सी। मैनू भी कुछ इंज लगा। तो तू उन्हें नाल क्यों नहीं लैके आया। मेरी अखा ने उन्हें देखते ही पहचान लेना सी। उस वेले मैं जल्दी भी सामान तो जा हूं जाके छेती ना बुला लिया। मेरा नाम सुन दे और जल्दी ना आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो जे मैं लग पाया तो मैं अज उन्हें जरूर ले आवांगा। यार इकबाल मैं लड़ना तो नहीं सा चाहता। मैनू किसी अनदेखी ताकत ने लड़न से मजबूर कर दिता सी। मैनू तो कुछ इंज लगा सी जिवें मेरा भरा है। भरा तो तू लड़न लिए हर किसी बुला लेना पर मैनू हूं तेरे की लगे। मैं तो 9 तारीख थानेदारी की ट्रेनिंग इतों चला ही जाना जो मर्जी कर दे। चंगा यार जे तू इतों चला जाएगा तो फिर साढ़ा इतने की रह जाएगा। असं भी विपत्ति हो जाऊंगे। ला मलका भी हल पिया हाथ साढ़े को पहुंच जाएगा तो असं तेन 20,000 रुपया दे देंगे। माजू जे तो बड़ी दूर दूर तक ने मलका एने जी गल मूह कड़ दी है वो तो पत्थर से लगी होंगी। और जवान की जबान नहीं तो जवान नहीं और जबान के सिर तो जमीन मार बजा है। और अजकल जबाना किए सौदे बड़ी मुश्किल पूरे होंगे ने। माजू न सौदा कर लगे इस गल का वहम ना कर मलका। वो इन्हें तो जबान ही जबान रखी है। जे तेन माजू की जबान तो इन्हें ही माण है अपने एतबार से रुपये दे माजू 20,000 जोर लाने की भी लड़ नहीं पैनी ना लगती गुट ला देगा। गुट तेने असले का ला ही देना मलका पर उन्हें शक तेरे ते करना है। मैनू तो खतरा कित पढ़े हाथ ना भी थोड़े तक ना पड़ जाए। फिक्र ना कर इधर उधर हाथ साढ़े तक कपड़ेगा उधर पुलिस उधर दूजे हाथ में गड़िया ला रही आएगी। असं हाथ लवाण के नाल घर चो चल सी बरामद करानी है। इंशाल्लाह आ जाएगी कोई गल नहीं। मैं फिक्र ना करो जी टेलीफोन उठा रहा है। हाँ जी हाँ ठीक है। चाचा जी मैं इंज लगता कि एदा बच्चा अगवा करके लाए जाए। नहीं मैं लगता एदी चोरी होगी। मैं लगता कोई कतल हो गया ना। मैं लगता है बहुत ही नस गई। क्यों भाई तू दस किस किस्म का केस तेरा जी। दरअसल अर्ज यह वे कि मैं नारोवाल की गड्डी चढ़ना है उनके टाइम का पता करना है कि किन्ने बजे वो चलती। और खाना खराबा तेरा यह मतलब है कि नारोवाल गड्डी मेरा चाचा खिंच के ले जाता है। ये मेरा चाचा कोई डीजल इंजन नहीं। जा दफा जा हथों अगलता पोतर। चाचा जी वेखो ना इन्हें घंटी तो इंज बजाई थी जिमें हीरे गुआच गए थे। चाचा जी आज भी फाका जी आज तो कोई साइकिल भी पेंचर नहीं लवा आया। माजू मां नहीं मां मेरा वीर माजू आ गया। ओ चिंगो फिर सरिए मेरा माजू पुत्र। मां चिंगो तू तो कितनी जवान हो गई। जे बेखबरिया तेन हूं पता लगा है साढ़े पिंड दिया लुटेरिया ने चरौकना पता लग गया है कि माजू की भैन का मुल वटिया जा। की कहनी है मां जवान पैरा दे बदमाश वीर जो जेलां कट के आन जो क्या बोलन जोगे नहीं रहते। ओ क्यों मां वो इस वास्ते कि जेलां च रहन वालियां दियां पहना या आप नस जातियां ने या कोई उन्होंने चुक के ले जाता है। और मैं जेल कट के नहीं आया मां मैं आवादान तो आया पैके ले आया अले फड़। इन्हों अपने हाथों नाल ट्रंक च रख दे ताकि तेरे जान तो बाद फिर इस घर च लुटेरे आन ते उन्होंने दौलत के बदले तेरी जवान पहन ना चुकनी। ओ कौन ने मां मैं उन्होंने खानदान मुका जाऊंगा। मैं छेती दस उन्होंने पछाण ले दूर जाने की कोई लोड़ नहीं। शीशे च अपनी शक्ल वेख ले
ਜੰਗਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਸਕਰ ਹੈ वे जेड़ा साड़ियाँ इस तो बचाने ले जान चली जे धड़के डाकुओं के सामने आ गया है वे जेल में झूलन वाले हैं जे उस रात दसगरा ना आता ते ना पहन दे सिर पे चुन्नी रहनी थी ते ना मार दे सिर पे चक्कर ये ऐसे बातें कहनी हैं कि शाला तेरी उम्र भी असगरे नू लग जाए लग रहे माँ तेरी दुआ कबूल हो गई तू ते आंदे ही मेरे वीर दे गल पै गई चुप कर कुड़िए आ गया जबरू तेरे वादे ते आ गया माजू बारह बजने दो मिनट रह गए सिर्फ दो मिनट रह गए की गल हथ नहीं लिया तेरी जबान दी ते लोग कहानियां पाते ने लोग झूठिया कहानियां नहीं पाते जबरू माजू की जबान नहीं जा सकती जान जा सकती है सूरी बारह दिन सौ उसे टपेगी जिसले बड़े हाथ तेरे हाथ जा जाएगा हाले एक मिनट बाकी खुश कर दिता यार जवाना और ऐसे हाथ लुहार के नाल नाल घर चो चरसी बराबर करानी है थोड़ा ऐसे कमले रखे है माजू कितने पाजी ते नहीं ला दी और तेरी खैर हो पाजी चढ़न वाले जवाना इस पिंड तू ही नहीं और भी जवान वास्ते ने माजू फिर रब का वास्ता जे थानेदार जी एनू ना ले जाओ मैनू ले चलो माजू नू तू अपने चाचा नु कतल कर दिता ना गोली मार के तुर फिर भी तू लगेगा प्रसाद सर सर से तेरा ना है बकवास करना वे गोली तू चलाई है
फांसी लगन तो बलो इस अपने चाचे की लाश नु किधर गायब कर की करा मैं कुछ समझ नहीं आ रही दस मेरा ख्याल है कि तेरे चाचे की लाश जागने प्याज सुटी राणा मेरे चाचे तारी नहीं आती है बकवास कर ला कभी मुर्दे भी तरते दरिया दूर रहेगा इन चुके तो इतने जाकर किसी टोए च सुट देने हौसला कर गुड नाइट की मैं तेरी मुर्गी ला ली चोर चोर आई एम अंकल टॉम एडी ठंड में चाचे असी टोए में सुटाया लाश को तो डबल नमूनिया भी हो गया होना यार सबर कर जूनियर में तो हो जाता ना तेन हो जाएगा तेरा बेड़ा करक हो गए तेरे गर्दी करो सर नमूनिया कर लाते चल चुप करके यार सो जा मैं भी सोना सावा कि बुआ बंद कर गया कि ठंडी चाचे फुलना शुरू हो गया मैं अपनी अखन देखे तेरे चाचे ने भूत बाहर फुल तेरा दिमाग खराब हो गया उठा मेरे नाल मैं नहीं जाना तू कल जा बकवास ना कर तू मेरे नाल आ अच्छा मैं तेरा डर नाल मैंने जान दिया जल्दी उठ इधर आ किथे भूत दहा हमन भूत इस पिंड साढ़े को वाला भूत कहड़ा है देख मैं देखिया मैं किमें मुकुटा गया जी मैं बैठे नहीं गा तू इस कर तू इधरों की जा तो मैं इधरों की देख लूंगा चल भी तेरा शक दूर कर लिया भी कर लेना चल जा तो मेरी वाइफ तो पहुंच जाए पहुंच जाएगा चल चल जा चल मीसने भूत 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 इस गल मैं चक्कर दे रहा सके आके मंजी तो बहुत ही थां मल्ली थी चल परा मार मैंने भी लेटन दे खाना खराब ना होते तंग कर मारिया था मैनू ना को गल ना को बात कितने यार भूत हूं गल कर गल कर मेरे को डर दिया मैं इन्हों को डर दिया पांच खलोतियां देखो मैं थानेदारी की ट्रेनिंग वास्ते जा रहा ट्रेनिंग च जा रहे कि फड़िया तो नहीं जा रहा अच्छा तो तू हूं सानू फड़वा के राजी आहो तू अपने भाईचान तो बगैर उदास नहीं हो गई सीमा ओदे को बहुत देर तू मैं उदास लगनी भाभी जी सचमुच उदास हो गए खबरदार कुड़िए शादी तो पहला तेन ये भरा को उदास होने की कोई लड़ नहीं अंडरस्टैंड चाचे जी ठीक कहते हैं देखो जो सा चाची बिस्तर फौत हो गई है चाचे जी लम्मी उदासी फाड़ ली है सुख सुख तीला हो गए और की बकवास कर रहे हैं इंसान उदासी नाल नहीं गम नाल सुख के तीला हो जाता ये भी गल ठीक है चाचा जी देखो जो गम थोड़े तो नेड़े लंघे आता तो तुम आप बाटा के पुकारने वगू फुले ना आते की बक रहे मैं बेगम लो जी साडा एक ही आदत थानेदार बनन चला गया तो दूजा असगरा जबरू किथे रहे ने दिन ओए ले फड़ 20,000 मलका मैं मौजूद जमीन तो पाक होण ली अपनी जमीन बेच दी अशके भाई जबरू बड़ी गलां निकले यार पर माजू ने तेरा चंगी नहीं की ओए उन्ने ने चंगे कीती तो मैं भी ओदे नाल ऐसा पेश आवांगा कि दुनिया वेखांगा मैं उस बहु मुंडे का घर वेख आया मलक साहब जेड़ा साडे नाल उस दिन लड़िया सी ओ ते मेरा हमसाया निकलिया
ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਫੈਜ਼ੂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸੋ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਜਾਗਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨਾ ਮਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਆ ਖੋਲ ਮਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਆਖ ਫੁੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਂ, ਓਏ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਨੇਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਤੀ ਉਜਾੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਓਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਖੁੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਜਲਾਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾ, ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਟਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਮੁੜ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਮਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀਏ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਜੂ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ। ਉਸ ਬਖੈਰਤ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਮਾਜੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਤਬਕ ਖੁਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਪਤੀ ਹੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖ ਖਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਖੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ? ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਗੱਲ ਦਰਸਲੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਖੁੰਨਾ ਪਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਲਾ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟਕਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੜੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਸੂਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਬਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਸਰ।
हूं तुम जा सकते हो। थैंक यू। तू इन्हें दिन साढ़े वाल आया क्यों नहीं अखबार? मैंने कोई जरूरी काम पै गया था। मैनू मिलना जरूरी नहीं सी? जे फुर्सत होवे ते सब तो पहला काम तेनू मिलना वे। ऐसा मतलब है तेनू फुर्सत नहीं मिलेगी ते तू मेरे को दूर ही रहेगा? हालात ही कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर गए ने कि पता नहीं किन्ना कुछ मैं तेरे को दूर आना पवेगा। की पे कहना अकबर, तू तो कहता था पंजाब के जवान यारी ला के कदी नहीं नस। माफ करे शमी, उस वेले मैं तेनू यह दसना भुल गया था कि पंजाबी की पक्की तो सच्ची यारी अपने वतन नाल होंदी है ते जे वतन ते कोई गल आ जाए ते फिर पंजाबी जवान अपनी मोहब्बत ही नहीं जाना भी कुर्बान कर देने। अकबर मुबारक है सीमा, आज तेरा भाईजान थड़ेदार बन के वापस आ रहे हैं। और तो मैंने भी मुबारक दियो, मेरा एक यार थानेदार बन के आ रहा है, दूसरा मेरा यार असगरा वो गाजी बन के आ रहे हैं। दो रुपए दे मुंह देगा तू ना कुछ बन सकिया। आहो चाचा जी, मैं तो थोड़े ते जाना सी ना। ओए मैं ते सुराग रसा ना। काते सुराग रसा हो, 6 महीने हो गए साडा कट्टा को आज गया, अज तक लभिया जे? आखिर मैं लभ के लाया, मेरा नाम भी तो खोज दी ने। तू कट्टे दा नाम पता लिखाया सी? बस तुहाडा ही नाम पता लिखवांदा सी, मैं चुप कर रहा। अच्छा भाभी जी, मैं जानी है भाई जान आने वाले होंगे ना, तो घर की सफाई भी करनी है। मैं सीमा के नाल जाके सफाई करवा दे अंकल। कुछ शर्म कर कुड़िए, शादी तो पहले सोहरिया ने घंटोर पाई है। चाचा जी, ये सब जसूसी नावलों का असर जी, तो मैं तुम्हें कई दफा क्या इन ना पढ़न दिया करो। वो ना हो कि जंज बूहे से आके बैठी हो नकाब पा के मार रोड से पस्तौला चला फिर। अच्छा हम मैं जानी हूँ, सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम। लो चाचा जी, असं भी चलिए अपने असगर यार मिलिए, चल के कोई जफिया पाइए, कोई जित पाइए, कोई हार पाइए। सलामकुम। वालेकुम असगर, तू सबूत आ गया, तेन मुबारक हो। मैनू कहदी मुबारक दे रहा? मुबारक जाके अजीज पट्टी ते उन्हां शहीदां नूं दे जिहड़े अल्लाह दी राह ते कुर्बान हो गए। सीमो, शुक्र है तेरी फसल नजर आई है, बड़ा चिर घर नूं खाली वेख के ठंडे साह भरते रहे। इत्थों दफा हो जावे कमीने, अज ते दिल दीआं हसरतां पूरीआं करके जा। हौसला कर, तू आपे ही अस्करे नूं पैड़ा कहंदी हुंदी सां पैना। जे अज मेरे जे पैड़े बंदे नूं वी राख दित्ता ई तां फिर घबरा ना, हुण अपनी अखां नाल वेखी आ शैतान दा हशर की हुंदा। खबरदार ओए, इहना कदमा ते वापस हो जा, नहीं ते कोई मार जावा। ओए शैताना, मैनू इस फटौने नाल की डराना पिया, मैं ते बम्बा नाल खेड़दा आया। लै फिर तो चला जा वीरा, मैं तेन ए हालत छा चला जा कर वीरा, तो पुलिस से हाथ आ गया तो मेरी कुर्बानी अभी चली जाएगी। तेरी जिंदगी बचाने ली तो मैं अपनी जान दी। मेरी जान तेरे को महंगी नहीं, तेन मेरी इज्जत की थान इतों चला जा वीरा। बड़ी बड़ी कसम पा दी है मेरी भैन ने। ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ? ਆਹੋ ਭਾਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਅਸਗਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸਗਰਾ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਬੱਬਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਓਏ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, मुबारकबाद दे उन्होंने शहीदों ने जिन्होंने सीने च गोलियां खादियां ने, ते मैनू मुबारकबाद उस दिन दें जिस दिन मैं शहीद होवां। लो बंदा पूछे, जिस दिन तू शहीद हो गया असी मुबारकबाद गोरखा नूं देंगे? कहन लगा नहीं, मुबारकबाद लैण लई मेरा यार इकबाल जी दिंदा। अच्छा की गल है बे? नाल इधर एक कातल नसा जांदा। तू कोई पहरिया कतल भी कर दिता?
कतल करन तो बाद हूँ झूठ बोलन का वल भी आ गई। मैं कतल करन ते मजबूर हो गया सा इकबाल, जे मेरी थां ते तू भी होंदो ते कतल ही कर दो। गलत गल है, हर मुश्किल वक्त कानून की मदद नहीं जा सकती। गल ते बड़ी अकल वाली की, पर कानून दिया सियाणिया मैनू ऐ ते दस, जे तेरी भैन छीमो की इज्जत खतरे च होवे ते उपरों तू आ जावे, इज्जत लुटन वाला तैनू वेख के पस्तौल कढ लवे, फिर उस वेले तू डर के कानून वाल नसेंगा कि भैन की इज्जत तो कुर्बान होवेगा। मेरी भैन का नाम लैओ कातला, यहो जिहा बहाने तराश के तू मेरे हथों नहीं बच सकता। कातल नू गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। जे कातल नू गिरफ्तार करना तेरा फर्ज है ते फिर मैनू भी पुलिस के हाथ ना आने की भैन ने सौ पाई रही है। कानून दिया सियाणिया मैनू ऐ ते दस, जे तेरी भैन छीमो की इज्जत खतरे च होवे ते उपरों तू आ जावे, इज्जत लुटन वाला तैनू वेख के पस्तौल कढ लवे, फिर उस वेले तू डर के कानून वाल नसेंगा कि भैन की इज्जत तो कुर्बान होवेगा। खाली पई टैब मशीन भी टूट गई, बिल्कुल चंगा लग रहा है। रेख मार भी बाजारों नहीं मिलता, सीता टूट गया। अरे खैर, हम तुमको सारी बात बता दें, अब हम तुम लोग का नौकरी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात से कि एक हफ्ता हो गया हमारा हस्बैंड आ गया। अरे तो लेंगे तो गिरो। Oh, and I'm so many people with clothes, and the clothes so many people, and London, and Piccadilly, Hong Kong, Tokyo, Maurice, ke Pai, Peru, and then so many people with clothes. Ah, ha, ha. The large people with the coast and all the darling, हम पिया का टिकट ले आया, अब थोड़ी देर के बाद हम हांगकांग वापस जाएंगे, उधर हमको नलके का ठेका मिल गया है। ये हमारा हस्बैंड है। सोना लगता है, हाथ में कुहाड़ा भी अच्छा लगता है। मुझको तो यूँ लगता है जब इंग्लैंड में इसका लकड़ियों का ताल। क्या बोलता ये कि यूँ लगता है जैसे सर्कस में शेरों को गोश्त डालने वाला होता है। नो सर, मुझको तो ऐसा लगता है जिम्मे बांद्रा को ट्रेनिंग देने वाला होता है। अब तुमको भी ट्रेनिंग देगा। राइट हॉर्स ब्लेम मी, हू इज दिस मैन येलो कौन है? ओह आई सी, ये तो हमको मौत के कुएं में साइकिल चलाने वाला लगता है, और ये हमको वड कसाई लगता है कुप्पा, और ये हमको गुजर लगता है। एक्सप्लेन मी मिस्टर गुजर, यानी कि एक्सप्लेन मी तो तुम्हारा किता है मज। हाँ बस एक ही है। ओ, तुम इसका कट्टा है। डोंट मैंने कहा सर, ये आपके मुंह के ऊपर चंबल निकली हुई है। नहीं नहीं, खुरक पर ही लग गई। नहीं चाचा जी, फुलबेरी। ओ रोंग रोंग, ये हमारे मुंह के ऊपर लानत पड़ी हुई। यस यस। नो, ये हमारे मुंह के ऊपर मैप के लेकर दुनिया का नक्शा है। हम शीशे देख कर ये मालूम कर लेता है कि हमने किधर को जाना है, किधर से आना है। एक्सक्यूज मी, हम लेट हो रहा है, प्लेन चला जाएगा, और ये सामान खराब करी बाहर इन भाइयों को मुफ्त दे दो। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। चाचा जी, भैन रीटन जा रही चला। ओ
कौन है तू? जबरू तेरी भैन की इज्जत लुटाने का से। तेरी मां ने तेरी भैन भी मार दिता, आप भी मर गई। चलो मैं तेरी मां ते भैन की कब्र दिखा। तेरी भैन की कब्र ते तेरी मां की कब्र। मैं तेरी कब्र से फातिया कहना आया, जब तक मैं जबरू तलो ताड़िया कब्र से नहीं छिनकलवाऊंगा, ना कुछ खावांगा, ना पियांगा, ना आराम करांगा। मैं वादा करना जबरू नु ताड़े कदमा च लिया के मारांगा। उठ, किथे जबरू? किथे जबरू? संत नहीं पता। और दस इन दिनों तो घर ही नहीं आता, किथे लुकेगा? असी ट्रेन च उतरने वाले हर आदमी ने गौर नाल देखिया सर, लेकिन उन्होंने जो काले मफसर वाला कोई नहीं सी। साडियां नजरां धोखा खा गई ने, 44 नंबर ने इसे ट्रेन च आना सी। हो सकता वह 4 बजे वाली ट्रेन ही आ जाए। उस ट्रेन के इंतजार करने लिए मैं खुद जाना पड़ेगा। ठीक है सर। इस जसूस का ट्रेन में उतरने तो पहले फड़े जाना जरूरी थी। और खरीद चाहना तो उन्होंने टिकाना भी दस पे। मैंने उन्हें टिकाने का पता नहीं जनाब, उन्होंने मिनटे शुरू तो आके नाल जाना से। तुम यह सारा समान मेरे हवाले कर दो, मैं आइडेंटिटी कार्ड से अपनी फोटो ला के जावांगा। मेरा ख्याल है कि लोग लैन वास्ते 4 बजे की ट्रेन से जरूर आएंगे। ठीक है, फिर मैं भी पुलिस लैके स्टेशन से पहुंचाना। वो तुसी ना जाना जुड़ा, तू वे के सारे जस ना जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तू गड्डी लैके स्टेशन के बाहर खड़ा रहनी। जिसले वो लोग लैके मैं बाहर निकलेंगे तो तू सा पीछा करें, तो उन्होंने ठिकाने पर पहुंच के तुम्हें इतला कर दी। आसान तरीका पुलिस लैके उसे पड़ जाने। ये भी ठीक है, असि पुलिस लैके अंदर वड़िए टोटे करके लाश भी किधर गायब कर दें, सारी उम्र ही ना सानू किधरों मिले। की करिए फिर दस, हूं की करिए, सोच कुछ। मैं तो दस नहीं की करना। तू चुप करके बैठी रहो, असि मर्द हो गए उसे जाने तरकीब नहीं सोच सके, तू और हो गए की सोच ले। बकवास ना कर, औरतां मर्दां नालों घट नहीं होती हैं। हुण तुसी ए देखना मैं तुहानूं उत्थे लै के खिसना चाहुंदी हां। आओ मेरे नाल चलो।
कार्ड तो 44 नंबर दे जी, पर तस्वीर होंगी नहीं। मैंने पहले उधर शक्ति और जिंदा नहीं पा सकता, आओ मेरे नाल। बिल्कुल ठीक है, तू जल्दी ना कोठी जा, जरूरी कागजात से फौजी ठिकाने के नक्शे लेके सरदार खान की हवेली पहुंच जा। मैं सरदार खान की हवेली जाके उस जासूस ठिकाने लाने का बंदोबस्त करना। तू इतों के जिन्हें लोग साढ़े मिले हुए ने उन्होंने लैके सरदार खान की हवेली पहुंच जा। रब ने जिंदगी ते रख ली है, पर तुहाडे एहसान दे भार नाल तौण नीवी हो गई है। यह एहसान नहीं असगरिया, बहादुर बंदे नूं बचाउणा असी अपना फर्ज मिले। चोरी साहब नाले कमरे तुहानूं मिलण वाले आए। चंगा हाँ जी, इसलिए इत्थे की दसा सरदार खां जी, एक जासूस साढ़े खुफी अड्डे का राज लैके फरार हो गया। जे वो बच गया तो साढ़े नाल तुहानूं ही मुसीबत आ सकती है। वो किहड़ा एड्डा खतरनाक जासूस है? यह फोटो जे समझो, इस कुड़ी मेरे नाल भेज दो। ना रो कुड़िए, उस बेगैरत ने तेरी इज्जत लुट के हर शरीफ आदमी की गैरत नु लटका रहा है। किसी गल पे कर दो सरदार खां जी, तेरे को की लुकाए फरिया? ये कुड़ी साड़ी रिश्तेदार भी है तो यतीम भी है। ना रो कुड़िए, उस बेगैरत ने तेरी इज्जत लुट के और साढ़े हथों नहीं बचना। यतीम की इज्जत लुटन वाले बगैर का पता तुम मैं दसो सरदार खां जी। नहीं असरिया, असा सजन का एहसान कभी नहीं लिया, असी आप इस चाकू ने खत्म कर देंगे। इंज ना करो सरदार खां जी, मैं थोड़ी रिश्तेदार करके नहीं, यतीमी नहीं समझ के दे सिर तो दुपट्टा लाने वाले का सीना आप चीरांगा। जे तू बाज नहीं आता असरिया, तो फिर साढ़े को भी तेरे वर्गे बहादुर बंदे की ना घड़ी घड़ी नहीं सुनी जाती। मैं मुंडा विखा दे। तुसी ते कहने सो और कर रही हैगा, होना किधर गया? और छेती दस दे, इस पिस्तौल की गोली ने यह नहीं देखना तू है कि जबरू अगे
हूं मेरे को वेला नहीं रहा है और छेती दस सरदार खान की हवेली वाल उन्हें गया सरदार खान की हवेली वाल जे झूठ हो फिर फिर पिछा गोली मार दे आम होते थाने चल के दसी ये सर जी जी चार बजे हाँ जी ठीक है जी तुम मेरे पहुंचने तो पहला दो वैगन पुलिस ने उसे पहुंचा दो जी हाँ जी मैं चार बजे पहुंच जाऊंगा जी ये सर भैड़े हाथ च लू वग पे ऐना फड़े ऐना कमाल कि तेरा दुश्मन बन के आने वाले वापस जाने की होश ना दे और मैनू मारता क्यों नहीं और मैं तेरा दुश्मन बन के आया मैनू मार और मारता क्यों नहीं और मार मैनू मार मैं कतल करना है कौन है तू असगरा ओए तू मां एह असगरा जी जिसके बारे में तेरे जिक्र किया तू ही असगरा वे जा जालमा मैं तो तेनू अपना पुत्र ही समझ बैठी सा मां तू रब दी मैं हूं भी तेरा ही पुत्र हाँ नहीं नहीं ऐसा जानू मेरा पुत्र नहीं हो सकता मां तू एक बारी मैनू मां दी नजर नाल ते वेख मावां ते पुत्रां नू पैरां दी आवाज तो पछाण जांदियां ने ओए की चक्कर पै देना है हूं चक्कर ते सारे ही मुक गए आओ वेख तस्वीर यदि लाले नाल मिलके तू ते मैं मेले ते लवाई सी सज्जना किथे चलिया सर मैनू ते तेरी उड़ीका सर और पछाड़े ही ना मैनू ना मारी यार और तेनू नहीं मारेगा तू सीधा होके मेरे अगे लग के तुर पा अच्छा मन ते यकीन है अगे लग पसगरा तो को मार खा रहा जी तौर साहब जे असगरा पेड़ हो गया तो फिर मैं उस बाबू में जाके मारूंगा है जाओ पुत्रा मैं भी तेरे नाल चलना तेनू मेरे नाल जान दी मैं कला ही गोलियां मार मार के मार देगा जबरू तू यह समझा सी कि इन्हों का वारस कोई नहीं और मरण वास्ते तैयार हो जा माजू तू तो क्या तेन नहीं मारांगा उत्थे नहीं मारांगा इत्थे लिया के मारांगा ले मां मैं अपना वाद पूरा कर दिता है खबरदार अल्लाह ने अच्छ साढ़े से कितना खुशी का दिन लिया दोनों भरा बैठो मैं शुकराने के दो नफल पाड़ा वा अच्छा भाई जान मैनू जाच दौ चार सौ बजते थे फिर बैग कट्ठे गल करा ठीक है अकबर मैं भी तेरे आने तक तेरे दुश्मनों मुकाऊंगा नहीं भाई जान तुम नहीं जाना कानून असा अपने हाथ च नहीं लेना मां जी मेरे घर वापस आने तक उन्होंने जान दी अच्छा खुदा हाफिज रब रखा मैं पुत्र तू इतने बैठ मैं अल्लाह के हुजूर सजदा करके हुणे आनी चंगा मां दस मेरे पुत्र कितें तू कौन है कह पुत्र मैं वो सरदार खान का पुत्र हाँ जिन्हें अब तो 14 वर्ष पहला तेरे खान कतल किया पूछो उस पुत्र का रे जिन्हों अज मैं मारन आया और छेती दस नहीं तो चार चार गो देना ना जाए तो बाड़ी मेरी कोई दुश्मनी अस्करा आहो अस्करा मैनू तो अज पता लगा उसी मेरे प्यो के कातल दस वह कड़ी जबान नाल मेरी मां की अपील की बुलतला जवाना नाल मत्था ला आया था ते सिर्फ दो गोलियां बंदूक च पा के खांदा फड़ ये भी तेरे ही काम आईया नहीं
मां तेरी बेअदबी का बदला ते मैं ले लिया पर अजे प्यो दे कतल का बदला रहा सालम दे सामने ना जाई पुत्रा कतल का पता लगा है हूं मेरी जिंदगी का एक एक साह मेरे वास्ते हराम हो गए जब तक मैं अपने प्यो के कतल न कबर जिना सवाला चैन न नहीं बैठा इन्हें सारा कद नहीं बुलाया जी असि कह रहे नाम कराम दे दीए पुलिस ने हवेली घेरा पा लिया तो साडे सारे आदमी फड़े गए हैं जरूरी कागजात फौजी अड्डे के राज में लैके आ गया वा मेरा ख्याल है पुलिस मेरे भी मगर लगी हुई है मैं उस प्रकट जट का पुत्र जिन्हों आज तो चौदह महीने पहले तू कतल किया मेरे घर च वतन का तू आया नहीं हाँ यार पहले मिलके दोनों खत्म कर रही है तो फिर तू अपने दुश्मन भी मार रही और बुद्धला मैं धोखा देने की कोशिश ना कर असवरिया मैं सरवरे दो जहान की कसम है सरवरे दो जहान की कसम और मैं अपनी जान वतन को ज्यादा अजीज दे असि तो थोड़े हैं कि साढ़े सलूक कर रहे हो तुम अपने भरावान से नहीं बने तो साढ़े की बनोगे साडा यो इनाम है दुश्मन आप ही मरा दिता ही हूं वतन के दुश्मन बच के तू ना जान नहीं गांधी मरदा तू भी इसे देश का तो मैं भी इसे देश का मर और साडे वतन का दुश्मन इसको बच के जाना नहीं चाहिए भावें साडे दुआ की जान चली जाए एक नंबर अजे तक नहीं आया एक नंबर के पीछे कोई घुड़सवार ना सारे सारे मेरे नाल आओ ते नंबर वन लग जाएगी पुलिस
चुक लिया। कह लगा मुबारकबाद दे अजीज पट्टी, मुबारकबाद दे उन्होंने शहीदों ने जिन्होंने सीने च गोलियां खादियां, तो मैं मुबारकबाद उस दिन दे जिस दिन मैं शहीद होवांगा। हाय गाइस, तो आज हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बहुत ही नायाब और क्लासिकल मूवी अस्करा। तो सुल्तान रही की मूवी के बहुत डिमांड आ रही थी कि जी कमेंट कर रहे थे लोग सुल्तान रही की मूवी पोस्ट करें, मज़र शाह की मूवी पोस्ट करें। तो आज हम आपके लिए इन दोनों का कोलैब, दोनों की मूवी पोस्ट करने जा रहे हैं, बट इसमें मज़र शाह का रोल ज़रा बहुत कम है, लेकिन सुल्तान रही फुल मूवी में है और बाकी एक्शन मूवी है, फुल एक्शन से भरपूर, फुल ब्लॉकबस्टर, अपने टाइम की बहुत सुपरहिट मूवी अस्करा। तो जिसमें जो रोल हैं, जिसकी कास्ट है, नगमा है, इजाज खान है, सुल्तान रही, सावन, इकबाल हसन, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, भाई नन्ना साहब भी, बहुत बड़े बड़े अदाकार हैं इसमें। फनी भी है, एक्शन भी है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो इस मूवी को देखें, इस मूवी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही नया मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तानी ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।